हाय फ्रेंड, मैं हूँ रोशन मिश्रा, आपका अपना रोशन मिश्रा, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट ईयर 2017 में, फरवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का। आज हमने एक सेट उठाया है और वही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ ए कार मॉडल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय कंपनी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है? एक, दो, तीन, चार, पांच कंट्री है, ए, बी, सी, डी और ई। शेयर इन ग्लोबल प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में ए से ग्लोबल प्रोडक्शन का परसेंटेज दिया हुआ 25% ए के द्वारा, बी के द्वारा 30%, सी के द्वारा 10%, डी के द्वारा 20% और ई के द्वारा 15%। मतलब अगर इस टोटल को आप देखेंगे तो ये 100% रिप्रेजेंट करेगा, 25, 15, 40, 40, 30, 70, 30, 100, यानी ये टोटल 100% रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब क्या है कि अब इस कंट्री द्वारा 25% प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से। परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड आउट द टोटल प्रोडक्शन इन रेस्पेक्टिव कंट्रीज, ये भी परसेंटेज असल में दिया हुआ, ठीक है? यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का जिक्र कर दिया, ठीक है? मतलब ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 25% ए के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से 80%, उस 25% में से 80% सोल्ड हो रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है? अगर पूरे वर्ल्ड में बी का प्रोडक्शन 30% है, तो उसमें से 50% सोल्ड हो रहा है, ठीक है? यहाँ एक चीज़ और भी छूट गया है, तो टोटल नंबर ऑफ कार लिख लीजिएगा आप लोग 40,000, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार जो है वो है 40,000, टोटल 40,000, उस 40,000 में 25%, उस 40,000 में 30%, उस 40,000 में 10%, उस 40,000 में 20%, इस तरह से ये परसेंटेज वाइज ब्रेकअप दिया हुआ, ठीक है? चलिए, तो आपको भी ये बात भी समझ में आ गया होगा कि 25% का 80% बेचा जा रहा है, 25% का 80% 20% होता है टोटल का, ठीक है? लास्ट जो दिया हुआ सेलिंग प्राइस ऑन वन कार, एक कार का सेलिंग प्राइस जो है इन लाख में 6.5 लाख है। जैसे ए के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके एक कार का रेट कितना दिया हुआ है, 6.5 लाख, फिर बी के द्वारा 8.5 लाख, फिर सी के द्वारा 6 लाख, डी के द्वारा 5.5 लाख और ई के द्वारा 7 लाख, ठीक है? चलिए, तो टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस 40,000 को हम ले लेते हैं 100%, ठीक है? इस 40,000 को हमने कितना परसेंट ले लिया, 100%, क्योंकि बेस सबका यही है, 40,000 ही है। तो बेस सबका 40,000 ही है, तो हम इस 40,000 को पूरा मान लेते हैं 100 कार, ठीक है? 40,000 का हम वही यूज करेंगे जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू से क्वेश्चन रहेगा। कंपैरिजन से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 40,000 का यूज ना करके हम उस 40,000 को 100 मानेंगे, समझ रहे हैं? चलिए, अब जब 100 मान लेते हैं तो ए द्वारा पूछा जाएगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो 2500 में 25% तो 25, ठीक है? और उस 25 का 80% यानी 20, इस तरह से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रीज ए एंड बी टुगेदर, ए और बी को एक साथ, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड, एंड डिफरेंस पूछा जा रहा, एंड द टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री सी एंड डी टुगेदर, सी और डी दोनों को मिला करके, ठीक है? तो इसके द्वारा कितना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसके द्वारा कितना मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो पहले एग्जैक्ट नंबर से ये क्वेश्चन है, बट पहले हम यूज करेंगे रेशियो का, ठीक है? मतलब छोटे वैल्यू 100 का ही इस्तेमाल करेंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में जो भी परसेंटेज आएगा वो हम 100% के रेस्पेक्ट में निकाले थे, तो वो हम किसके रेस्पेक्ट में बाद में निकालेंगे, 40,000 के रेस्पेक्ट में। अभी आप देखिए, तो ए से और बी से अगर देखा जाए 100 के रेस्पेक्ट में, तो 25 + 30 यानी 55, ठीक है? और सी और डी से देखा जाए तो 10 + 20 यानी 30,
25 प्लस 30 यानी 55, और सी प्लस डी से 10 प्लस 20 हो गया 30, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 25। तो ये जो 25 डिफरेंस आ रहा है ये असल में 100 के रेस्पेक्ट में है, यानी 25% है, और 25% 100 के 100 किसको हम लोग माने हैं 40,000 को, तो 25% किसका निकाल लेंगे 40,000 का, और 25% 40,000 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 10,000, और ये मेरा आंसर हो गया 10,000 फर्स्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे बात को। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आसानी से बन गया कॉन्सेप्ट, अगर आपके समझ में है कॉन्सेप्ट, अगर सही ढंग से आपने कॉन्सेप्ट को देखा है पढ़ा है तो फिर कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है। अब देखिए ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंडिकेट बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले वर्ष का, आप उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पिछला भी डीआई जो था बड़ा आसान था, एक और भी डीआई मैं बताने वाला हूँ, वो देखते हैं कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंट्रीज ए एंड बी टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंट्री ए एंड बी टुगेदर फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन दैट पार्टिकुलर क्वार्टर। तो टोटल तो 100% है, टोटल कितना परसेंट है 100% है, क्योंकि 100% हमने माना है, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है, यानी जो भी यहां पे नंबर आएगा वही मेरा परसेंटेज आंसर हो जाएगा। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंट्री ए एंड बी टुगेदर, तो 25% का 80%, इस 25% का 80% निकालते हैं, तो 25% का 80% हो गया 20, समझ रहे हैं? यही चीज निकालना जरूरी है, 25% का 80% या 80% का 25%, तो 80% का 25% यानी 1/4 यानी 20, ये हो गया ए से, बी से, बी में चले आते हैं, 30% का 50%, ये तो आप एकदम आसानी से बोल देंगे 15, 30% का 50% यानी हाफ 15, तो 20 प्लस 15 100 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट है, आंसर हो गया 35%, आंसर हो गया 35%, कोई पेन का जरूरत नहीं था, पेपर का जरूरत नहीं था, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच रिमेन अनसोल्ड इन गिवन क्वार्टर इन द कंट्रीज सी एंड ई टुगेदर, सी और ई के द्वारा अनसोल्ड कितना रह गया कार, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर से क्वेश्चन है, बट हम शुरू में कैसे यूज करेंगे 100 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, बाद में जो भी परसेंटेज आएगा वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 40,000 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए तो आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार विच रिमेंड अनसोल्ड इन गिवन क्वार्टर इन द कंट्री सी एंड ई टुगेदर, सी एंड ई टुगेदर, तो 10% ये पूरा प्रोडक्शन कर रहा है और उसमें से 70% सोल्ड हो गया, तो 10% का 70% सोल्ड हो गया, तो 10% का 30% अनसोल्ड रह गया, इसी 10% का 70% सोल्ड हो गया, तो इसी 10% का 30% अनसोल्ड रह गया, तो 10% का 30% कितना परसेंट होता है 3%, 10 का 30%, 10 का 10% 1, 10 का 10% 1, एंड 30% यानी 3 गुना यानी 3, ठीक है, ये अनसोल्ड रह गया। प्लस ई में आ जाओ, 15% में 60% सोल्ड हो गया, तो 15% में 40% अनसोल्ड रह गया, अब 15% का 40% या तो 15 गुना 40/100 कर दो, या नहीं तो 15% का 40% निकालते हैं, तो 15% का 40% निकालेंगे तो हम 2/5 कर सकते हैं, या 15% 40% का निकाल लेते हैं, 10% 4, 5% 2, 4 2 6%, ठीक है, ये सब चीज आना चाहिए तुरंत, तो टोटल क्या हो जाएगा 9%, और यही 9% अनसोल्ड रह गया, और यही 9% किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 40,000 के रेस्पेक्ट में, तो 9 चौका 3600 हुआ आपका आंसर 3600, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द सेल्स
सेल्स रुपया, इन रुपया देख लीजिए, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंट्री डी एंड सेल्स इन रुपया टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंट्री ई। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, फिर से रेशियो से क्वेश्चन है, कंपैरिजन से क्वेश्चन है, 40,000 का यूज नहीं करेंगे। आप समझ के चलिए, 40,000 बोले तो 100, 40,000 का मतलब क्या, 100। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन सेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार इन कंट्री डी, तो डी से जितना कार सेल हुआ, तो पहले डी से देख लेते हैं, तो 20% का 75% सेल हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20% का 75% यानी 75% ऑफ 20%, नहीं भी निकालेंगे तो भी काम चलेगा, निकाल लेंगे तो भी काम चलेगा। तो हम मान लेते हैं 20 कार, तो 20 कार बना रहा है और उसमें से 75% सेल हो रहा है, तो 75% निकाल लेते हैं किसका, 20 का, तो 75% 20 का कैसे निकालेंगे, तो 20% 75 का निकाल लेते हैं, 75% ऑफ 20 या 20% ऑफ 75, तो 10% 7.5, 20% डबल यानी 15%, तो यानी 20% में 15, ये तुरंत निकल गया, नहीं भी निकालते परसेंटेज भी लिखते तो भी काम चलता। हम इसको लिखते 75% ऑफ 20%, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, यहां पे हम 15 लिख लिए, अगर निकल रहा है तो हम क्यों ना निकाल लें, आराम से निकाल सकते हैं, तो डी है 15, तो 15 कार अगर बेचता और 5.5 लाख रुपया है, 5.5 लाख पर कार है, तो इसका मतलब प्रत्येक कार का जो रुपया में वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 15 × 5.5, ये था डी का। चलिए, तो डी के बाद फिर किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा, ई के रेस्पेक्ट में, चलिए ई में आ जाते हैं। अब 15% का 60%, तो या तो हम इसको ऐसे लिख सक लेते 60% 15% का, ठीक है, हाँ, इसका सब का दाम है 5.5, इसका सब का दाम क्या दिया हुआ 7, या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 15×6 = 90 यानी 9%, 15% 60% का निकाल लेते हैं। हर तरह से निकाल सकते हैं, कितना तरह से आप सीखिएगा, 10% 60% का हो गया कितना 6, 5% हो गया 3, 6×3 = 9 हो गया, या 15×60 15×60 = 900 यानी 9%, 15% निकालना है, 60% निकालना है 15% का, 60% का मतलब 3/5 ऑफ 15, तो 3/5 ऑफ 15 इज इक्वल टू 9, 15% बोले तो 3/20 ऑफ 60, 3/20 ऑफ 60, 20×360, 3×39, कितना तरह से आप सीख सकते हैं। चलिए, अब इसका सब का दाम कितना है 7, तो यहीं पे रेशियो तो पूछ रहा है, देखो यहां से अगर ऊपर से हम देखते तो इसको लिखते 20×30 = 60, चलो काट दिया, 15×5 = 75, अभी गौर से देखो क्या सब हो गया, 5×5.5 और ये हो गया 3×7, देखो इस दोनों को भी काटेंगे तो 3×3 = 9, 3×5 = 15, देखो ऐसा ही आया ना, सेम आया, देखो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं फिर क्या हो गया, ये 5×5.5, ठीक है, तो 5.5 को हम 55 लिख लें, तो 55 यहां से अगर हटाएंगे तो 10 उधर लिखना पड़ेगा, चलो 10 लिख देते हैं, अभी 5 से ये कट गया, 5×2 = 10 और मेरा आंसर हो गया 55 = 7×21 = 42। ये इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 55 = 42 आएगा, 55 = 42 यानी डी आएगा। समझ रहे हैं बात बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए कार इन कंट्री सी इज 4,50,000, 4,50,000, 4.5 लाख, ओके, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ऑन विच कार सोल्ड इन सेम काउंटिंग, सेम काउंटिंग मतलब सेम कार अगर बेचा जाए, ठीक है, कुछ नहीं है, 4.5 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस, 4.5 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस,
सेम काउंटिंग, मतलब एक ही कार अगर खरीदा तो एक कार बेचा, एक कार दो कार खरीदा दो कार बेचा, मतलब वस्तुओं की संख्या बराबर है, नंबर ऑफ कार क्या होना चाहिए बराबर। और जैसे ही नंबर ऑफ कार बराबर होता है तो फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस आसानी से पता लगा पाते हैं। तो चलिए अभी सी में क्या हो गया, सी में कितना है, 6 लाख है, सी के बारे में ये बोला ना, 6 लाख है सेलिंग प्राइस, 6 लाख। बस यही तो पता करना है क्या हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट होगा। चलो अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60। तो कॉस्ट प्राइस अगर 3 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट इसको कितना आ रहा है, 1। किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू आपको होता है 33.3%, कुछ नहीं ये था, ख़त्म हो गया। 1 मिनट में ये क्वेश्चन 5 बनने वाला था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए यार, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, मुझे भी मज़ा आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा। कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।